रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आन बान शान से फहराया तिरंगा, शांति सौहार्द से मनाया स्वतंत्रता दिवस, वही नगर पालिका सीएमओ की दिखी लापरवाही। बेगमगंज 75वां स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष की भांति उत्साह के साथ शांति सौहार्द से मनाया गया, जहां सभी शासकीय कार्यालय में सुबह 7 बजे से अधिकारियों के द्वारा झंडा वंदन किया गया। अर्ध शासकीय कार्यालय पर 7:30 बजे शान से तिरंगा फहराया गया। वहीं नगर पालिका में सुबह 8 बजे झंडा वंदन किया गया, जहां सीएमओ की झंडा वंदन के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर दिखी लापरवाही। इसी बीच नगर पालिका कार्यालय पर सीएमओ धीरज शर्मा ने झंडा वंदन किया, लेकिन सीएमओ राष्ट्रीय पर्व के प्रति उदासीन दिखे, जिसके कारण तिरंगा फहराते समय सीएमओ ने तिरंगे को सम्मान देने के लिए सिर पर टोपी भी नहीं पहनी, तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज के लिए सलामी भी नहीं दी गई। नगर पालिका कार्यालय के बाहर लोगों के बैठने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से कई लोग वापस चले गए। नगर के गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही कुर्सी रखी गई, जिससे वहां से जाना पड़ा लोगों के लिए। वहीं गांधी बाजार स्थित विजय स्तंभ पर 8:30 बजे झंडा फहराया गया, वहां पर भी कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके कारण दर्जनों लोगों का कहना है कि नगर पालिका अधिकारी के राष्ट्रीय त्योहार पर इस तरह का रवैया गलत है। इस तरह के रवैये का हम विरोध करते हैं, लेकिन दोनों ही जगह अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत जरूर कराएंगे। न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण के बाद समाज सेवी शिव नारायण नीकरा एवं उनके साथी द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर बैरिकेड्स की बाउंड्री बनाकर पौधारोपण भी किया कार्यक्रम किया गया और न्यायालय पर गण अधिवक्ताओं के विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शासकीय कार्यालय में रोशनी की गई, जहां कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम है मेरा, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम है मेरा, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन सिलवानी से हमारे संवाददाता अक्षय चंदेल की रिपोर्ट। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 युवकों की मौत, दर्जनों घायल। गैरतगंज तहसील के बोरा जाते समय घटना हुई घटित। गैरतगंज तहसील के क्षेत्र के सिहोरा खुर्द से बोरास नर्मदा घाट उदयपुरा जाते समय एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई तो दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु भोपाल रेफर किया गया। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र में घटित हुई। जानकारी के मुताबिक शनिवार रविवार की दरमियानी रात गैरतगंज तहसील क्षेत्र से सिहोरा खुर्द से बोरास नर्मदा घाट जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली अचानक पलट गई। इस घटना में सिहोरा खुर्द निवासी युवक अंकित 22 वर्ष एवं अभिषेक 28 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा ट्रैक्टर एवं ट्राली में बैठे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना रात्रि 12 बजे की बताई जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम छा गया। शिलवानी से हमारे संवाददाता अक्षय चंदेल की रिपोर्ट।